हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सीओसी सीए क्लासेस चैनल, मेरे बच्चे इस चैनल को हमने बनाया है अपने सीए वाले बच्चों को स्टडी कराने के लिए। चाहे आप फाउंडेशन के हों, चाहे इंटर के, चाहे फाइनल के, आपके सारे कंटेंट को हम यहां पे डिलीवर करेंगे और आपको एग्जाम में दी बेस्ट तैयारी कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। स्वागत आप सबका सीए फाउंडेशन की अगली मुलाकात में। आप सब बहुत अच्छे होंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। मैं भी बहुत अच्छा हूं। साथ मिलकर सीए फाउंडेशन के लॉ के अपने सिलसिले को आइए आगे बढ़ाते हैं। पिछली मुलाकातों में आपने जितनी भी बातें पढ़ी, मुझे उम्मीद है आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, लिखा होगा, बार बार समझा होगा। और आप लोगों में जिन जिन लोगों को जो जो समझ नहीं आया होगा, उन्होंने मुझसे पूछा होगा और मैंने जवाब जरूर दिया होगा। दोस्तों, लॉ का सिलसिला आगे बढ़ाते समय अक्सर हमें ये भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो पुराने टॉपिक्स हैं उनका नए टॉपिक से भले कनेक्शन ना हो, लेकिन पुराने टॉपिक नए टॉपिक के लिए क्या क्रिएट करते हैं? फाउंडेशन। एक ऐसा बेस बनाते हैं वो आपका कि जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद आपको अगला टॉपिक ज्यादा अच्छा और ज्यादा जल्दी समझ आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्लास वन की जरूरत है क्लास टू को समझने के लिए और क्लास टू की जरूरत है क्लास थ्री को समझने के लिए। बट दोस्तों, कभी ना कभी नेक्स्ट क्लास में अर्लियर क्लास का या पिछली क्लास का कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई टॉपिक यूज होता है, तो अगर हमको वो पहले से पता होगा तो हमारे लिए थोड़ा ईजी रहेगा उसको समझना। तो अब आज की मुलाकात का पहला विषय है ऑफर टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर टॉपिक्स। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि जब हम ऑफर पढ़ रहे थे तो उस ऑफर के अंदर हमने ये सीखा कि ऑफर एक ऐसा स्टेप है जिसके बाद या तो एक्सेप्टेंस होती है या रिजेक्शन होती है। ऑफर की डेफिनेशन के अंदर लेकर नहीं जाना चाहता मैं आपको, वो हम बहुत अच्छे तरीके से डूब के बिल्कुल टॉपिक को पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ऑफर इज नॉट अ माई टॉपिक टूडे इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। मेरा पहला आज का विषय है ये कि ऑफर जब हम डिफरेंस करते हैं बाकी चीजों से, कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने से ऑफर लगती हैं लेकिन वो ऑफर नहीं होती, आपने ये पिछली क्लास के अंत में सुना था, तो आज थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश उस पर डालेंगे और समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो देखने से ऑफर लगती हैं लेकिन वो असलियत में ऑफर नहीं हुआ करती। बस उनको समझना है हमें और हमें यह समझ आ जाएगा दैट ऑफर इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सम अदर थिंग्स विच लुक लाइक ऑफर बट दे आर नॉट। आपके सामने स्क्रीन पर एक लिस्ट है जिसमें यह बताया गया है कि ये वाली चीजें देखने से ऑफर लगती होंगी लेकिन ये ऑफर नहीं है। इससे पहले कि आप उन चीजों का नाम पढ़े, नाम तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी इससे पहले कि हम इसे पढ़े, मैं आपको याद दिला दूं जो अभी मैं बात कर रहा था कि ऑफर इज एन एक्टिविटी जिसके बाद या तो एक्सेप्टेंस होती है या रिजेक्शन होता है। दोनों तो हो नहीं सकते भाई, या तो ऑफर के बाद क्या होगा एक्सेप्टेंस, या फिर ऑफर के बाद क्या होगा रिजेक्शन। ऑफर या तो स्वीकार होगा या फिर ऑफर अस्वीकार होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो के ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के कितने स्टेप हुए, तो आप मुझसे पूछेंगे कि कैसी बात पूछते हो आप, इस स्लाइड में हल्की सी जगह कम है, मैं एक मिनट यहां पर लिखकर दिखाता हूं आपको, आप जरा देखिएगा, जरा एक मिनट यहां पर देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं ऑफर के बाद क्या होता है, या तो एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन, राइट? भाई दो ही चीजें तो होती हैं, या तो आपका ऑफर एक्सेप्ट होगा या आपका ऑफर रिजेक्ट होगा। अभी क्लास में आगे क्या पढ़ना है उसकी चिंता मत करना प्लीज आप। अभी आप बस मेरे पिछली क्लास के रिव्यू का एक पॉइंट पढ़िए। पिछली क्लास के अंत में मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑफर करते हैं किसी को तो वो देखने से कई सारी ऐसी चीजें लगती हैं जो ऑफर जैसी हैं लेकिन वो ऑफर है नहीं। अतः आज उन पर थोड़ी ज्यादा बड़ी चर्चा करनी है कि कौन सी ऐसी चीज है जो देखने से ऑफर लगती है लेकिन वो ऑफर नहीं होती। उसको समझने के लिए मैंने आपको बोला कि इमेजिन करो कि किसी ने किसी को ऑफर करा तो सबसे पहले ऑफर हुआ, ये हमारा स्टेप वन है। सबसे पहले किसी ने किसी को ऑफर किया, राइट? अब जिसको भी ऑफर करा वहां से या तो एक्सेप्टेंस आएगी या फिर क्या आएगी रिजेक्शन। अब जरा देखना आप, या तो एक्सेप्टेंस या तो रिजेक्शन, दोनों में से एक ही चीज आएगी, आइदर ऑफ द टू। तो ये स्टेप टू हो गया और कहानी बन गई, ऑफर करा किसी ने और किसी ने एक्सेप्ट कर लिया या किसी ने रिजेक्ट कर दिया। आई होप दिस यू अंडरस्टैंड। मेरा पूछने का मतलब आपसे यह था, ये दोनों स्टेप तो बड़े बेसिक थे, आपको कई बार आपने सुन लिया, आपको पता होगा। मेरा यह बोलना है कि सपोज करो
कि स्टेप वन से पहले भी कुछ हो, स्टेप वन से पहले कोई किसी प्रकार का अट्रैक्शन हो जिसको देखकर आप क्या करते हो, ऑफर। आप प्लीज समझिए कि एक स्टेप यहां पर हो, स्टेप जीरो बोलते हैं उसको, स्टेप जीरो, एक मिनट, यहां पर कुछ हुआ, कुछ कुछ तो पक्का हुआ जिसको देखकर आपने क्या किया, ऑफर। भाई शोरूम में वो मैनिक्वीन, वो जो डमी सी बॉडी लगाई हुई होती है शोरूम्स के बाहर या अंदर, उसने जो ड्रेस पहन रखी थी, जो कपड़े उसने पहन रखे थे, आप शॉपिंग मॉल में यूं ही चल रहे थे, यू आर नॉट इंटेंडेड टू बाय समथिंग, तो आपको वो टी शर्ट या आपको वो टॉप या आपको वो ड्रेस खरीदनी नहीं थी, लेकिन वो जो मैनिक्विन ने पहन रखी थी, वो जो डमी ने पहन रखी थी, उसको देखकर आपकी आंखें और आपका दिल ऐसा पिघला, क्या बताऊं, कि बस आप खिंचे चले गए शोरूम की तरफ और आपने दुकानदार से पूछा कि तुम ये वाली टी शर्ट हमें बेच सकते हो, ये वाली ड्रेस हमें बेच सकते हो। दुकानदार ने बोला वाई नॉट, ने की और पूछ पूछ। तो आपने दुकानदार से वो टी शर्ट मांगी, ये है ऑफर, और दुकानदार ने आपको वो टी शर्ट दे दी, ये है एक्सेप्टेंस। लेकिन आप मुझे बताइए, आप टी शर्ट लेने नहीं जाना चाहते थे, फिर भी आप टी शर्ट लेने का ऑफर करने चले गए दुकानदार के यहां, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सम अट्रैक्शन दैट यू हैड, बिकॉज ऑफ सम अट्रैक्शन दैट यू हैव आफ्टर वॉचिंग दी, आफ्टर सीइंग, आफ्टर लुकिंग एट दैट टी शर्ट। तो प्लीज मेरी बात समझिएगा, मैं थोड़ा गंभीर तरीके से आपको यहां पर एक बात बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये याद रखिएगा कि अभी तक जितनी हमने बातें पढ़ी उसको मैं एक मिनट बिफोर और आफ्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं। बिफोर और आफ्टर वो जिम वाला नहीं जहां पर एक्सरसाइज से पहले लोग बिफोर और आफ्टर की फोटो लगाते हैं। बिफोर और आफ्टर से मेरा मतलब है कि हमने अभी तक ये पढ़ा कि ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ, तो मैं कह रहा हूं ये आफ्टर है। जब कोई आदमी किसी को ऑफर करने जाता है तो ऑफर करने से पहले भी हो सकता है कि कुछ चीज हुई हो। ऐसा क्या अट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से आपने ऑफर करा? प्लीज समझने की कोशिश करिए कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट छपा था, अखबार में विज्ञापन छपा था कि भाई यहां पर ये वाला सामान बेचा जाएगा, आओ खरीद लो। कोई सेकेंड हैंड सामान हुआ या कोई ऑक्शन हुआ, कोई नीलामी हुई, कोई भी ऐसी चीज हुई जिसकी सेल का विज्ञापन अखबार में छपा, तो आपने अखबार में देखा कि सेल हो रही है, वो है स्टेप वन। आप उस सेल वाली जगह पर जाकर वो सामान खरीदने गए, उसको मांगा आपने, ये है स्टेप टू, और दुकानदार ने हां कर दिया, ये है स्टेप थ्री। तो ऑफर एक बीच का स्टेप होता है, ऑफर से पहले भी कुछ होगा और ऑफर के बाद भी कुछ होगा। आपने दुकानदार से सामान मांगा, ये क्या है दोस्तों, ऑफर, और दुकानदार ने आपको सामान दे दिया, ये क्या है उसकी एक्सेप्टेंस। लेकिन इन दोनों स्टेप से पहले वो जो अखबार में आपने एड देखा, शोरूम में आपने सजा हुआ सामान देखा, वो मैनिक्विन ने डमी ने जो कपड़े पहने थे आपने वो देखे, इसका मतलब ये हुआ कि ऑफर से पहले कोई एक ऐसी चीज दोस्तों जरूर होती है जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि चलो ऑफर कर लेते हैं। कोई एक ऐसी चीज जरूर होती है जो आपको प्रॉम्प्ट करती है, जिसको देखकर आप क्या करते हैं, प्रपोजल। तो वो चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो चीज जो आपको ऑफर करने के लिए इनवाइट करती है, उसे ऑफर ना कहकर क्या कहते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। किसी मिठाई की दुकान में प्राइस लिस्ट लगी थी कि रसगुल्ला इतने का और रसमलाई इतने की, तो वो प्राइस लिस्ट को देखने के बाद आपने सोचा कि चल खाई लेते हैं यार एक रसगुल्ला, या वो शोरूम में सजे हुए रसगुल्ले देखकर आपका दिल कराया कि चल खाई लेते हैं ये, तो वो प्राइस लिस्ट या वो सजी हुई मिठाई जो काउंटर पर लगी थी उसको देखकर टेम्पटेशन हुई आपके दिल में, दिल करा आपका उसे खाने का, तो वो पल आपको इनवाइट कर रहा था, आपको अट्रैक्ट कर रहा था कि आप आइए और ये खरीदिए। फिर उसे देखकर, प्राइस लिस्ट को देखकर या रसगुल्लों जो सजे हुए रसगुल्ले थे उसे देखकर आप दुकान पर गए, और दुकान पर जाकर आपने कहा कि जरा एक किलो पैक करना, दुकानदार ने बोला नो 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 नो, ये तो सब बिक चुके हैं, तो हो गई रिजेक्शन। और अगर आपने दुकानदार को जाकर कहा जरा एक किलो पैक करना और उसने कर दिए, तो हो गई एक्सेप्टेंस। इसका मतलब स्टेप वन वो रसगुल्ले आपको अट्रैक्ट कर चुके हैं, स्टेप वन वो प्राइस लिस्ट आपको अट्रैक्ट कर चुकी है, स्टेप टू आपने दुकानदार से जाकर ऑफर करा कि ये मुझे बेच दो,
स्टेप थ्री, दुकानदार ने वो आपका ऑफर मान लिया और आपको रसगुल्ले दे दिए या रिजेक्ट कर दिया और नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफर और एक्सेप्टेंस से पहले भी कुछ होता है जिसको ऑफर ना कहकर हम क्या कहते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। अब आप ध्यान से देखिए, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। देखिए, जनरली राइट, जनरली कितने स्टेप हो गए? पहला स्टेप हुआ इनविटेशन टू ऑफर, फिर हुआ ऑफर, फिर हुआ एक्सेप्टेंस, राइट दोस्तों। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ नीचे दी गई कहानी में ये जो रोहन कर रहा है, ये जो मोहन कर रहा है, ये जो अजय कर रहा है, ये जो विजय कर रहा है, किसी क्वेश्चन में, किसी कहानी में मान लो एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ यहां क्या हो रहा है, तो फिर आप कैसे पहचानोगे कि कौन इन्विटेशन है और कौन सिर्फ ऑफर? आपको कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि इन्विटेशन की बात चल रही है कि ऑफर की बात चल रही है? आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि जब तीन स्टेप हो तो फिर इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर है और एक्सेप्टेंस है। अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछे कि नीचे दी गई चीजों में क्या है और अगर वहां पर आपको दो स्टेप मिले तो फिर ऑफर और एक्सेप्टेंस है। जैसे ये आप एक मिनट बाद नोट करना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, एक मिनट में जो दिखाने दो आप। मान लो आपने यहां पर लिखा प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट कहीं पर टंगी हुई थी, सिर्फ 50 रुपए में ये चीज। आपने कहा अरे ये तो 100 में मिलती है, 50 में कैसे मिल रही है, अरे वाह। तो उसे देखकर आप क्या हो गए, अट्रैक्ट। उस प्राइस लिस्ट ने, उस प्राइस टैग ने, उस शोरूम ने आपको क्या कर लिया, इनवाइट। ये है इनविटेशन टू ऑफर। प्राइस लिस्ट के बाद जाकर आपने डिमांड करी कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, उसने हां करके आपको क्या कर दी, सप्लाई। तो अच्छे से समझिए कि ये क्या हुआ, तीन स्टेप, राइट, बिल्कुल क्लियर। उसी प्रकार आप देखो, वहां पर आपने डमी को कपड़े पहने देखे, डमी मतलब वो जो प्लास्टिक बॉडी सी नहीं लगी रहती शोरूम में, बड़ी ऐसी कपड़े पहना के रखते हैं, उसे देखकर ही आप दुकानदार के अंदर घुस जाएं, मतलब दुकान में घुस जाएं। वो तो जब डमी थी, डमी को देखकर आप क्या हुए, अट्रैक्ट, और आपने दुकान में जाकर उस कपड़े की क्या करी, डिमांड, और फिर दुकानदार ने आपको क्या कर दी, सप्लाई। मान लो वो शोरूम में आप गए और आपको देखने के बाद पसंद नहीं आया तो नहीं होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, खत्म हो गई वही कहानी। तो मेरा समझाने का मतलब यह है कि बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो कि इनविटेशन के बाद दो चीजें होती हैं और ऑफर के बाद एक चीज होती है। तो यह समझना बड़ा आसान है। मान लो एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्राइस लिस्ट क्या है, तो आप अपने मन से सोचिए प्राइस लिस्ट जब होगी तो उसके बाद हम पहले मांगेंगे, फिर वो हमें देगा, तो दो स्टेप है और एक प्राइस लिस्ट, तो तीन स्टेप हो गए। तो प्राइस लिस्ट इनविटेशन टू ऑफर है। और जहां अगर वो मान लो आपसे पूछे कि हम दुकानदार के पास गए डिमांड करने, तो डिमांड क्या है, ऑफर या इनविटेशन? तो आप सोचो कि डिमांड करने के बाद वहां से क्या होगी, सप्लाई। तो दो ही स्टेप बने केवल, तो वो ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर को मिला के कहानी में तीन कदम बन रहे हैं, और इनविटेशन टू ऑफर हटा के सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस देखें तो दो कदम बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमें यह समझ आ रहा है। हमारा टॉपिक ये था कि ऑफर टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑफर बहुत सारी चीजों से देखने से मिलता जुलता है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल अलग है। तो वो जो बिल्कुल अलग है वो क्या अलग है, वो मैंने आपको बताया। इनविटेशन टू ऑफर केवल एक अट्रैक्शन के लिए लगाई गई चीज होती है। इनविटेशन टू ऑफर किसी जिम्मेदारी को जन्म नहीं देता। इनविटेशन टू ऑफर के बाद हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं फंसते। इनविटेशन टू ऑफर के बाद कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। इनविटेशन टू ऑफर में तो हमने केवल अट्रैक्ट करा। आप सोचिए कि दुकानदार ने डमी को वो जो टी शर्ट पहनाई, जिसको देखकर आप दुकान में चले घुसे चले आए, खींचे चले आए, अट्रैक्ट हो गए, और आकर जब आपने शोरूम वालों से कहा कि मुझे तो यही वाली ग्रीन टी शर्ट चाहिए, तो जानते हैं आप दुकानदार ने क्या कहा, सर उसका तो मॉडल बस लगा है, वो सेल के लिए नहीं है। आपने बोला पागल आदमी है यार, जब बाहर लगा है तो उसे तो मैं खरीद बेचने के लिए लगाया ना तूने, मेरे को वही चाहिए। शॉपकीपर कह रहा सर दुकान मेरी, सामान मेरा, तो मर्जी मेरी तो चलेगी। आप कह रहे हो तो जब मर्जी तेरी चलेगी तो तूने डमी को क्यों पहनाए? अरे दोस्तों
वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप अट्रैक्ट हो गए, तो अभी तो ना ऑफर हुआ ना एक्सेप्टेंस हुई, उसने रिजेक्ट कर दिया आपका ऑफर, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर धीरे धीरे समझो तो वो जो डमी ने टी शर्ट पहन रखी है ग्रीन कलर की, वो क्या है? इन्विटेशन। उसने आपको क्या करा? इन्वाइट। उसने आपको क्या करा? अट्रैक्ट। और आप क्या हो गए? इन्वाइटेड। और आप क्या हो गए? अट्रैक्टेड। और आप क्या कर गए? दुकान में आ गए। अब आप जब दुकान में आए और आपने मांगा, तो ये है आपका ऑफर। अब दुकानदार की मर्जी कि वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो तो उसकी इच्छा है ना कि आपका ऑफर वो क्या करे। आप दोस्तों अच्छे से समझिए कि दुकानदार की अपनी इच्छा है कि वो आपको सामान बेचे या ना बेचे। आपके स्कैनर में, स्कैनर समझते हैं आप, पास्ट ईयर पेपर्स होता है कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि एक कस्टमर शोरूम में गया, घड़ी की दुकान में गया, और घड़ी देखने के बाद वहां पर उसने एक घड़ी देखी और उसने दुकानदार के सामने पैसे रखे और बोला, ये घड़ी अपन को चाहिए, यही घड़ी चाहिए मेरे को। दुकानदार बोला, नहीं दोस्त, ये वाली घड़ी तो बिक नहीं सकती, ये तो हमारी कंपनी का जो वो है ओनर, उसके फ्रेंड ने पसंद कर रखी है, अब तो ये उसको ही जाएगी। आपने कहा, यार अजीब तमाशा है, जब भाई बोल रहा है घड़ी पसंद आई तो पसंद आई, ये अपन को चाहिए। दुकानदार कह रहा है, या जो भी दुकान पे सामान बेच रहा था उस समय, उसने बोला, दोस्तों मतलब कस्टमर्स, ये आपके लिए नहीं है सर जी, ये आपको नहीं मिल सकती। फिर वो कस्टमर और भड़क गया, कह रहा जी जब तुझे बेचनी नहीं है तो दुकान में क्यों लगा रखी है। अरे दुकानदार का मन, मैं आपको पता क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनविटेशन टू ऑफर किसी जिम्मेदारी को जन्म नहीं देता। इनविटेशन टू ऑफर तो एक अट्रैक्शन की चीज है, आप अट्रैक्ट हो गए, फिर पता चला आपको कि घड़ी पसंद नहीं आ रही, या फिर महंगी है, या फिर ऑफर ठीक नहीं है, हम नहीं खरीद रहे, या फिर आप देखने गए उस अट्रैक्ट होकर के, उस घड़ी को देखकर आप इन्वाइट हो गए, अट्रैक्ट हो गए, लेकिन आपको दुकानदार बेचने से मना कर रहा है, एनीथिंग कैन हैपन। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लिस्ट अभी आपके सामने, अभी मैं पढ़ते हैं एक एक करके सुनते हैं, और ये जितने भी नाम लिखे हैं वो ऑफर नहीं है, ये सब क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। देखिए, पहला, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, कहीं पर भी करी गई कोई भी सूचना ऑफर नहीं होती। एन आंसर टू अ क्वेश्चन, सवाल के जवाब ऑफर थोड़ी होते हैं, ठीक। प्राइस की स्टेटमेंट, प्राइस की कोटेशन या प्राइस की लिस्ट ऑफर नहीं होती। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस, तो ये सब याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताओ नीचे दी गई एक्टिविटीज में से कौन सा ऑफर है, कहना कोई नहीं है ऑफर, ठीक। मैंने आपको ये बताया कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दो स्टेप होते हैं, और इनविटेशन टू ऑफर को अगर काउंट कर लें तो तीन स्टेप होते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछना चाहे कि ऑफर और इन्विटेशन का क्लियर मतलब बताओ, क्लियर डिफरेंस बताओ, हम भी मिलकर उस क्लियर डिफरेंस को समझते हैं। ये रहा वो क्लियर डिफरेंस। यहां पर आपके सामने जो टेबल है ना दोस्तों, उस टेबल के लिखे हुए भारी शब्दों को समझने से पहले मैं ये चाहता था कि आप मेरे आसान शब्दों में पहले लिख लीजिए कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का क्या मतलब है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या मेजर डिफरेंस है, दोनों के अंदर ऐसा कौन सा खास फर्क है जिसके लिए हम उसे इतना समय दे रहे हैं और इतना बड़ा टॉपिक मानकर हम उसे पढ़ रहे हैं। ये वो डिफरेंस है दोस्तों जो इंस्टीट्यूट की बुक में है और जो स्ट्रक्चर्ड है, मतलब ये एक ऐसा डिफरेंस है जो होना भी चाहिए पूरा। अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है तो वो तो क्वेश्चन वैसे ही आएगा ना, कैसा आएगा? मतलब ये मैंने छोटा सा छुपा दिया, पहले अपना वाला लिखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि स्ट्रक्चर्ड आएगा पेपर में, यहां पर लिखते हैं ऑफर और यहां पर लिखते हैं इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। दोस्तों जो भी चीजें ऐसा होता है ना कि बुक में अपनी लैंग्वेज में लिखी होती हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि आप उसको बुक की लैंग्वेज में लिख कर आओ। ये प्लीज याद रखिएगा कि पहली बात तो आप सीए फाउंडेशन में हो, जब मैं इंटर में आपके साथ चलूंगा, जब मैं फाइनल में आपको मिलूंगा, तब वहां पर भाषा कुछ और लिखेंगे, लैंग्वेज कुछ और लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर देने का अंदाज कुछ और होगा, वो उधर देखेंगे ना। अभी तो आप फाउंडेशन में आए दोस्तों, अभी आपने 12वीं से फाउंडेशन का सफर तय करा है, तो जिस एंट्री पॉइंट पर आप खड़े हैं वहां पर आपसे ये उम्मीद नहीं करता है सीए इंस्टीट्यूट के आप खतरनाक लैंग्वेज लिखकर पेपर में आएंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन कंटेंड आफ्टर दिस एक्ट, दिस इज लीगल लैंग्वेज, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ना वो चाहिए जो किताब में लिखा है, पढ़ना वो चाहिए जो हम खुद लिख रहे हैं, पढ़ना सब कुछ चाहिए। इनपुट तो दिमाग के अंदर जितना ज्यादा डालो उतना अच्छा, जितना ज्यादा इनपुट आप अपने अंदर रखेंगे उतना बढ़िया। यहां पर इनपुट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर के आउटपुट की बात बता रहा हूं आपको कि आप जो लिखें वो ऐसा लिखें कि आपको भी लगे कि आपने सही लिखा है, पढ़ने वाले को भी लगे कि सही लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट हो।
भारी शब्द लिखने से लॉ में ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ठीक है? राइट करेक्ट बट राइट सिंपल, ठीक है? कोई बात नहीं। ऑफर देखिए, डेफिनेशन नहीं लिख रहा मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑफर ऑफर गिव्स राइज टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इट इज एक्सेप्टेड। मतलब ऑफर एक ऐसी चीज है विच गिव्स राइज टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इट इज एक्सेप्टेड। एक ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाए तो वो जिम्मेदारी को जन्म देता है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर सफल हो जाए तब भी वो किसी जिम्मेदारी को जन्म नहीं देता। भाई एड बनाया गया, आप अट्रैक्ट हो गए, अखबार में अनाउंसमेंट छापी गई सेल की, आप अट्रैक्ट हो गए, डमी को बढ़िया सी टी शर्ट पहनाई गई और आप अट्रैक्ट हो गए, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि समझौता हो गया, जरूरी थोड़ी है कि सेल हो गई, जरूरी थोड़ी है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इन्विटेशन टू ऑफर किसी भी जिम्मेदारी को जन्म नहीं देता, ये केवल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आइए देखते हैं यहां पर पहला डिफरेंस। इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट गिव राइज टू एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इफ द सेड इन्विटेशन गेट सक्सीडेड। राइट, इवन इफ द इन्विटेशन द सेड इन्विटेशन गेट सक्सीडेड। सक्सीडेड मतलब जीतना, वो तो आपको सब कुछ पता है, मैं तो बस खाली अपना धर्म निभा रहा हूं। दूसरी जो बात है दोस्तों वो ये है, दोनों में फर्क बता रहा हूं आपको, कि ऑफर ऑलवेज कम्स आफ्टर इन्विटेशन एंड गेट्स कंप्लीटेड इन टोटल टू स्टेप्स। ऑफर हमेशा इन्विटेशन के बाद आता है और उसकी कंप्लीशन, उसकी पूर्ति, वो कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है, सिर्फ दो स्टेप्स में। जिम्मेदारी जन्म ले लेती है, ऑफर और एक्सेप्टेंस, दो स्टेप्स। लेकिन यहां पर दूसरा पॉइंट, इन्विटेशन टू ऑफर कम्स ऑलवेज बिफोर, हमेशा पहले आता है, ऑलवेज बिफोर द ऑफर एंड गेट्स कंप्लीटेड इन थ्री स्टेप्स। ये दो पॉइंट थे जो मुझे लिखवाने थे, बाकी अभी जो आपको मैं लिखे हुए दिखाऊंगा पॉइंट्स, वहां तीन पॉइंट हैं। आप इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए और आपको ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि जो आपने लिखा है वो आसान शब्द हैं और इससे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। लैंग्वेज मे बी इजी, लैंग्वेज शुड नॉट बी इनकरेक्ट, ठीक है? जो आप लिखें आसान लिखें लेकिन अच्छा लिखें, ठीक है? अच्छा का मतलब भारी शब्द नहीं होता माय लॉर्ड, आप सबको ये बात माननी चाहिए। ये डेफिनेशन, ये डिफरेंस आपने लिख लिया होगा, ठीक, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ये डिफरेंस जो था, पहले आप बताइए, ये मान लूं ना कि आपने लिख लिया। अब
हाँ जी, देखिए ऑफर फाइनल एक्सप्रेशन है विलिंगनेस का। इन्होंने ना डेफिनेशन भी देने की कोशिश करी है साथ साथ। ऑफर क्या है? फाइनल एक्सप्रेशन है विलिंगनेस का। ऑफर क्या है? कि विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता, लेकिन यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस नहीं होता, उससे पहले का कुछ स्टेप है। हम किसी को बुलाते हैं, आ जा और अपना ऑफर कर जा। यहां पर आप देखिए एक्सप्रेस विदाउट, मतलब हम एक्सप्रेस नहीं करते विलिंगनेस, हम तो केवल नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। हम बताते हैं कि हम ऑफर करने को रेडी हैं, बट ओनली इनवाइट्स द अदर पार्टी। यहां पर हम ऑफर नहीं करते, ऑफर करने के लिए सामने वाले को बुलावा भेजते हैं कि तुम आओ हमें ऑफर करो और फिर हम एक्सेप्ट करें। दूसरा देख लिए, यहां पर इंटेंशन होती है बाउंड होने की। तो मैंने तो आपको बताया ऑफर जिम्मेदारी को जन्म देता है, लोग बंद जाते हैं। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में सिर्फ नेगोशिएशन चलता है, सिर्फ बातचीत चलती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। भाई इनविटेशन टू ऑफर मैंने आपको बताया, वो डमी ने पहने हुए कपड़े इनविटेशन है, शोरूम में रखा हुआ सामान इनविटेशन है, अखबार में छपा हुआ एडवर्टीजमेंट इनविटेशन है, कोटेशन या प्राइस लिस्ट जो शोरूम में सजी हुई है वो इनविटेशन है, जिसको देखकर आप आकर्षित हुए और आपने पूछा कि विल यू सेल दिस टी शर्ट टू मी। दुकानदार ने कहा ऑफ कोर्स आई विल सेल दिस टी शर्ट टू यू, दैट मींस इनविटेशन हुआ वो टी शर्ट पहनी हुई मैनिक्वीन। ऑफर हुआ आपका उस टी शर्ट को मांगना और एक्सेप्टेंस हुई उस टी शर्ट को आपको देना। तो बिना ऑफर के कोई जिम्मेदारी पैदा होती नहीं। और ये तीसरा अंतर तो दोस्तों वही है जो अननेसेसरी यहां पर लिखा हुआ है। आप देखो ऑफर कभी पहले नहीं हो सकता, तो बात तो सही है, पहले इनविटेशन होगा। इनविटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज फर्स्ट। एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट, मतलब वो पहले नहीं हो सकता, वो बाद में ही होता है, और इनविटेशन टू ऑफर हमेशा पहले होता है। ये क्लियर है ना बात? अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अभी तक की आपको पढ़ाई बताऊं जो आज आपने करी, अभी तक की आज की पढ़ाई में दोस्तों सबसे जरूरी बात आपको ये समझनी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनविटेशन टू ऑफर में और ऑफर में। अक्सर दोस्तों आप लोग या कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो बहुत कुछ सुन लेते हैं एक साथ। दोस्तों सब कुछ ना साइकोलॉजिकल होता है, अगर आप साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप दिल के अंदर दर्द बिठा लोगे ना तो कुछ भी, कोई भी दवाई खा लो वो जाने नहीं वाला। आपको ना दो लोगों पे बहुत भरोसा होना चाहिए, एक अपने आप पर और एक मुझ पर। ईश्वर तो हमारे साथ है ही। सर आप अपने आप पर और मुझ पर भरोसा करेंगे ना तो जो जो मैं करवाता चला जा रहा हूं, जो जो हम मिलकर करते चले जा रहे हैं, सर वो ऐसी दीवानगी पैदा कर देगा आपके अंदर लॉ के लिए कि आप प्रश्न आधा पढ़ के भी सही उत्तर देंगे। ऐसा करना नहीं है पेपर में, सवाल पूरा ही पढ़ना है, लेकिन बस आप मेरी बातों को धीरे धीरे बिना किसी प्रेशर के समझिए तो बस जिंदगी सवर जाएगी दोस्तों। बिल्कुल पेपर के वाले दिन आप खुशी से उछलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, बताओ ये तो हम सबको आता है, ये क्या पूछने की बात। सर जब आप पेपर हॉल में बैठे होंगे तो आपको मेरी याद जरूर आने वाली है, लेकिन उसकी तैयारी तो हमें अभी से करनी पड़ेगी ना। आपको प्लीज ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि सिर्फ दो शब्दों पर पिछले कुछ मिनटों से हम परिचर्चा कर रहे हैं। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर की ट्रिक मैंने आपको बताई, बड़ी आसान ट्रिक है, मतलब गंभीर पैराग्राफों के चक्कर में डूबने और परेशान होने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। मैंने आपको प्यारा सा हिंट दिया कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि बताइए ये चीज ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर, तो आप स्टेप्स गिन लीजिएगा। जो चीज एग्जामिनर पूछ रहा है उसे मिलाकर अगर तीन स्टेप बने तो वो चीज इनविटेशन है, और जो चीज एग्जामिनर पूछ रहा है उसको मिलाकर अगर दो स्टेप बने तो वो ऑफर है। भाई अगर उसने पूछा कि हमने दुकानदार से जाकर टी शर्ट मांगी, ये इनविटेशन है या ऑफर है, तो सोचो हमने मांगी उसने दे दी, तो मांगना और देना दो स्टेप हुए ना, तो ये ऑफर था। लेकिन वो आपसे पूछे कि आपने दुकान में टंगी हुई या मैनिक्वीन ने पहनी हुई आपने टी शर्ट देखी तो क्या हुआ, ये ऑफर है या इनविटेशन। अब आप सोचिए आपने टी शर्ट देखी, फिर आपने टी शर्ट मांगी, फिर आपको टी शर्ट मिल गई, तो यहां तीन स्टेप हुए। तो इसका मतलब वो दुकान के बाहर टंगी हुई या रखी हुई या देखी हुई या सजी हुई टी शर्ट इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं। मतलब अगर तीन स्टेप वाली कहानी सुनोगे तो वो इनविटेशन से शुरू होती है, और अगर दो स्टेप वाली कहानी सुनोगे तो वो ऑफर से शुरू होती है। अगर तीन कदमों की बात करें तो इनविटेशन है, और अगर दो कदमों की बात करें तो फिर ऑफर है।
और दोस्तों ये जो आपने सुना बस यही जीवन है। हमें अभी ऑफर के टाइप्स पढ़ने बाकी हैं, लेकिन टाइप ऑफ ऑफर पढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि ऑफर के टाइप पढ़ते पढ़ते आप मेरा ऑफर मत भूल जाइएगा। मेरा ऑफर बड़ा क्लियर है कि आप जो आज पढ़ो, आज का काम अगर आपने आज कर लिया और मेरा ये ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो देखिएगा बादल फट फट कर नंबर बरसेंगे। मतलब लोगों को नंबर उस पर मिलते हैं, मार्कशीट पर, आपकी मार्कशीट आसमानों से टपकेगी। देखिएगा इतने नंबर आएंगे आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये मैंने ही लिखा है पेपर में। कभी कभी दोस्तों हमें खुद अपनी काबिलियत और अपनी ताकत हमें खुद ही नहीं पता होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद ही नहीं जानते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब हम परफॉर्म कर देते हैं फिर हम अपनी परफॉर्मेंस बाद में देखें तो हमें लगता है अरे वाह ये हमारी परफॉर्मेंस है। जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस जब लिखते होंगे, देखते होंगे, एक्टिंग करते होंगे और उसके बाद वो अपना ही रिले, अपना ही ब्रॉडकास्ट, अपना ही शो देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि ये हमने करा, वाह भाई वाह। मेरा कहने का मतलब अपनी तारीफ करना नहीं है, मेरा कहने का दोस्तों सिर्फ ये मतलब है कि आप मेरे अनुभव का फायदा उठाइए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई आपके साथ बैठा है, आपके साथ खड़ा है, आपको जो जो जब जब चाहिए आप मुझे बताइए, लेकिन आप पढ़ते रहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन, ठीक, अगर अगर आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, राइट, जितनी हवा चलती है सब तरफ। आप सिर्फ मेरे लिखाए हुए शब्द लिख लीजिए, मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लीजिए, मेरा बोला हुआ सुन लीजिए, बस। कहीं और किसी गली में आपको कुछ देखने और झांकने की जरूरत नहीं है, जो यहां करेंगे ना दोस्तों बस वही दुनिया है। फिलहाल आगे बढ़ते, आपका ज्यादा समय लिया मैंने, लेकिन आपका ज्यादा समय लेने का मुझे हक है क्योंकि हमको मिलकर आगे बढ़ना है। देखिए अगली जो हेडिंग है दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर के टाइप, कितने प्रकार के ऑफर होते हैं दोस्तों। ऑफर तो वैसे एक ही होता है लेकिन अलग अलग सिचुएशंस की वजह से, अलग अलग परिस्थितियों की वजह से, किसको ऑफर कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इसकी वजह से वो अलग अलग टाइप हो गया। अब आपको याद होगा एक जनरल ऑफर था, एक स्पेसिफिक ऑफर था, तो दो टाइप हो गए भाई। मान लो आपने किसी एक से ऑफर करा और आपको उसी से हां या ना चाहिए, आप जिसको पूछ रहे हो आपको उसी से जवाब चाहिए। भाई राम ने सीता से पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, क्या आप करोगी, और कोई और होती मैडम और वो राम से कहती अरे राम मुझसे पूछ नहीं रहे, सीता जवाब नहीं दे रही उससे पूछ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं ना कि राम कहते हाँ कोई बात नहीं तुम वहां नहीं कर रही तो तुम वहां कर लो। ऐसा नहीं था ना, कोई पब्लिक ऑफर तो नहीं करा था ना हमने कि पूरी पब्लिक को कह रहे भाई एनीबडी वांटिंग टू मैरी, एनीबडी वांटिंग टू मैरी मी, ऐसा नहीं है। कुछ ऑफर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को करते हैं और अगर वो स्वीकार करता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम किसी और को, जनरल पब्लिक को नहीं करते, वो स्पेसिफिक हुआ। दूसरा ऑफर वो है जिसमें हम सामान्य जनता को बुलाते हैं, भाई मुझे फर्नीचर बेचना है, कोई खरीदेगा बताओ कोई है, तो वो स्पेसिफिक ऑफर नहीं हुआ, वो जनरल हुआ। अगर आपने जब एड दिया, जब आपने ऑफर दिया लोगों को फर्नीचर बेचने का, तो आपने लिख दिया था कि मेरा ऑफर 10 दिनों तक ओपन है, तो जब तक 10 दिन पूरे नहीं हो जाते ऑफर का टाइप क्या है, ओपन, और जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो ऑफर का टाइप क्या है, क्लोज्ड। तो ऐसे ही कुछ मासूम से छोटे छोटे टाइप हैं दोस्तों, कोई ज्यादा बड़ा भारी विषय नहीं है जो अब इस समय आप शुरू करने जा रहे हैं, जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं वो कोई गंभीर टॉपिक नहीं है बिल्कुल, राइट। आइए टाइप ऑफ ऑफर में पहला टाइप देखते हैं, जनरल ऑफर। जी जनरल ऑफर बड़ा क्लियर मतलब है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में भी कि ये भाई साहब जो हैं ये बॉटल बेच रहे हैं और उसका ऑफर कर रहे हैं सामान्य जनता को, तो दिस पर्सन इज ऑफरिंग टू सेल इस बॉटल टू द एंटायर वर्ल्ड एंड नॉट ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ये एक ऐसा ऑफर है मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। जिस ऑफर को कोई भी स्वीकार कर सके, जिस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सके, उसे जनरल ऑफर कहते हैं। तो कहने के दोनों तरीके हैं दोस्तों, या तो आप ऐसे कह दो कि वो ऑफर जो हमने सबको किया वो पब्लिक ऑफर हुआ, जनरल ऑफर हुआ, या फिर कहने का दूसरा तरीका यह है कि वो ऑफर जिसमें एक्सेप्ट करने का कोई रूल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ सकता है और उसे एक्सेप्ट कर सकता है, एक उसे जनरल ऑफर कहते हैं। तो आइए देखिए यहां पर इस वाली पिक्चर को हटाते हैं पहले और फिर उसके बाद लिखते हैं। सर ऑल्दो जनरल ऑफर के बारे में पर्याप्त लिखा है यहां पर, इसको लिखकर इसको पढ़कर समझ आ गया होगा आपको, लेकिन दोस्तों जो मैं लिखवा रहा हूं वो प्लीज आप लिखिएगा, ठीक है।
कितनी भी अच्छी दवाइयों खानी वो खुद पड़ती है, दवाई खुद देखकर इलाज नहीं होता। लिखिए, ऑफर विच इज गिवन टू ऑल द पीपल विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन, विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन इज अ जनरल ऑफर, राइट? भाई मान लो आप अपने ऑफर में लिख दो, मैं अपना फर्नीचर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बेचूंगा, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बेचूंगा और किसी को नहीं बेचूंगा। बिल्कुल ये गलत है। वैसे तो आप फाइनल में पढ़ोगे कि ऐसा लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, फाइनल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, तो वहां पर आप ये नहीं कर सकते कि आप टाटा हो, आप गाड़ी की कंपनी हो, तो आप कहोगे जो नई गाड़ी में बनाऊंगा वो टैक्सी में नहीं चलेगी, जो नई गाड़ी में बनाऊंगा वो सिर्फ प्राइवेट नंबर में बेचूंगा, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन कहानी है ना यार, मान लो एक मिनट, सपोज करो कि मान लो तुम ऑफर करो कि मैं ये फर्नीचर केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही बेचूंगा, तो फिर वो जनरल ऑफर नहीं हुआ, फिर वो स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि आपने समाज का एक हिस्सा चुन लिया, आपने समाज से क्वालिफिकेशन निकाल ली, आपने समाज से एक तबका उठा लिया, समाज से कुछ लोगों का एक ग्रुप उठा लिया, तो वो जो एक ग्रुप है वो जनरलाइज्ड कब है? वो तो स्पेशलाइज्ड है, वो तो स्पेसिफिक है, वो तो खास है, वो तो अलग है, वो तो औरों से ऊपर है। यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं वो कुछ है, वहां पर लिखा है कि बिना किसी भेदभाव के सामान्य जनता को दिया गया ऑफर कोई भी आ जाए और स्वीकार कर जाए, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, हम किसी से ये पूछे ही ना कि आप कौन हो, बस वो आए और हमारा वाला काम कर जाए जो हमने कहा, वो क्या है? जनरल ऑफर। भाई दुकानों पे सामान सजा रहता है और आप जाकर खरीदते हो, तो खरीदते समय वो आपसे ये थोड़ी पूछता है कहां रहते हो आप? आप बोलो नहीं हम तो जी चेन्नई में रहते हैं, तो दुकानदार कह रहा नहीं मैंने तो ये जो शॉप खोली है इसमें मैं सेलफोन्स केवल मुंबई वालों को बेचता हूं, मैं चेन्नई वालों को तो नहीं बेचता। सॉरी, इट कैन नॉट हैपन, राइट? सो दिस यू कैन फाइंड एट लॉट मेनी प्लेसेस, जनरल ऑफर बहुत जगह होता है। इसी को लिखने का दूसरा अंदाज क्या है? ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड by anyone without any specification। वही बात यहां पर है नीचे दूसरे पॉइंट पे, कि जिस ऑफर को कोई भी स्वीकार कर ले उसे बोलते हैं जनरल ऑफर। क्लियर हुई ना बात आपको अच्छे से? इसको आप लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। जनरल ऑफर के बाद आप सब जानते होंगे अगला कौन सा है? स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा एक बात आपको बताऊं, नाम स्पेसिफिक ऑफर है, स्पेशल ऑफर नहीं है, कुछ खास चीज नहीं है उसमें। आप स्पेशल कह लो बात अलग है, लेकिन वो स्पेसिफिक है। तो ये देखो जो स्पेसिफिक ऑफर यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर मिस्टर ए बैठे हैं और मिस्टर बी बैठे हैं। ए ने बी को क्या करा? ऑफर। और बी ने ए को क्या करी? एक्सेप्टेंस। ये दो लोगों के बीच की जो जिंदगी है, दो लोगों के बीच का जो निजी ऑफर है, इनका जो पर्सनल स्टफ है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। यहां पर ए ने बी का ऑफर अगर सुन लिया तो बी को ही रिप्लाई करना है, अगर किसी तीसरे आदमी ने सुन लिया तो वो रिप्लाई नहीं कर सकता। भाई ए और बी बात कर रहे थे, किसी दूसरे ने सुन लिया, किसी तीसरे ने सुन लिया, किसी और ने सुन लिया, वो कह रहा है हमसे ले लो एक्सेप्टेंस। ए ने बी से कहा कि अपना घर बेच दे, सी कह रहा मेरा खरीद ले मैं बेच रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। जिसको हमने ऑफर करा हमें तो उसी से हां चाहिए, वो है स्पेसिफिक ऑफर। और ये कोई नई बात नहीं पढ़ रहे आप, आपने पिछली मुलाकातों में, पिछली क्लासों में, पिछली चीजों में ये बातें एक बार सुनी है, लेकिन जो जितनी बार आता है उसे उतनी बार पढ़िए। भाई अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, सीए इंस्टीट्यूट ने ये वाला टॉपिक दो बार ही डाला आपके कोर्स में, तो दो बार ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपना धर्म है पढ़ाई करना, राइट? तो आप पहले यहां देख लीजिए क्या लिखा है, फिर मैं अपने शब्दों में आपको लिख के दिखाऊंगा। When the offer is made to a specific or an ascertained person, it is known as a specific offer. Ascertained person मतलब जो पहले से decided हो। याद है ना आपको, आपने कभी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑफर करा तो वो स्पेसिफिक ऑफर है। ये तो बड़ा क्लियर है, इसको अपने शब्दों में लिख लेते हैं। पिक्चर को छोटा करते हैं और उड़ा देते हैं। चलो लिखना शुरू करें।
और कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी इजी बात है। अब इसके बाद आएगी अच्छी वाली बात समझने के लिए। ऑफर मेड बाय वन टू अनदर एंड नॉट टू पब्लिक एट लार्ज इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर, उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। क्लियर हो गई ना बात? फिर देखो आप, ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, ऑफर मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय सच ऑफरी एंड नॉट बाय एनीवन एल्स, और किसी और के द्वारा ये स्वीकार नहीं हो सकता, कोई और इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये बात बड़ी क्लियर है, आप इसे पढ़ लो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद अगला ऑफर देखते हैं। और अगला ऑफर वाकई में देखने लायक है। अगले ऑफर में आपको नयापन मिलेगा, आपको लगेगा कि आप आगे की क्लास पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि कुछ अच्छा पढ़ रहे हो आप। इसको देखने से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है ये तो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, रिपीट टेलीकास्ट बिल्कुल नहीं है, नए दिन में पुरानी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, राइट। इसे लिख लिया आपने, तो पहला ऑफर याद है ना, ऑफर जनरल वाला और दूसरा ऑफर स्पेसिफिक वाला। जब आप रूल पढ़ रहे थे ना तो वहां पर भी आया था कि ऑफर में भी जनरल और ऑफर में भी स्पेसिफिक, तो दो टाइप यहां पर पैदा हो गए। अब देखिए आप, ये है क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, और यहां पर क्या लिखा, इग्नोरेंस। तो क्रॉस ऑफर में तो क्रॉस की पिक्चर होनी चाहिए थी, क्रॉस ऑफर में तो क्रॉस की तस्वीर होनी चाहिए थी। क्रॉस ऑफर में ऐसा क्या क्रॉस होता है वो देखते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, इग्नोरेंस है ना पिक्चर के अंदर, ये अंकल जी की आंखों पर क्या बंदी है, पट्टी, और ये यहां पर क्या कह रहे हैं, क्या किस किस चीज में डूबे हुए हैं वो, इग्नोरेंस में। तो मैं आपको बताता हूं अभी कि इग्नोरेंस यहां पर क्यों है। पहले तस्वीर आंखों में बसा लीजिए, आपके पास भी होगी, ठीक है। देखिए आप, इग्नोरेंस वाले अंकल जी को हटा दिया हमने और ये जगह कर ली खाली और ये बन गई अपनी जगह लिखने के लिए। मेरे साथ साथ लिखिएगा, इस वाले ऑफर में, इस वाले टॉपिक में, इस वाले टाइप में मुझे कुछ ज्यादा लिखना है तो मैं पहले लिखूंगा फिर मैं मिटा दूंगा। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा अगर आपका छूट जाए बीच में। तो आप ध्यान से देखिए कि जो क्रॉस ऑफर है, अभी ये कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना बिल्कुल, देखो ठीक। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, ए है, ए कौन है, ए, और इधर कौन है, जनरली मैंने बी लिख दिया लेकिन पेपर में कोई जरूरी नहीं है, ए और बी आएंगे कहानी में। अगर वो क्वेश्चन बनाने वाला आपको कोई कहानी बना के देगा तो ये उम्मीद मत करना कि वो आपको बी लिख के देगा। अरे कोई जरूरत थोड़ी है, ए है, बी है, कुछ भी है, दो लोग हैं, ठीक है। ए ने बी को क्या करा, ऑफर, ए ने बी को ऑफर करा, ध्यान से देखना, ए ने बी को ऑफर करा, क्या ऑफर करा उसने, विल यू सेल योर कार टू मी। ए ने बी को एक ऑफर भेजा, बाई पोस्ट भेजा, मान लो ए ने बी को चिट्ठी भेजी, क्या तुम अपनी गाड़ी मुझे बेचोगी, ये ऑफर। इससे पहले कि ये ऑफर बी को पहुंचता, इससे पहले कि बी को कुछ पता चलता ए के बारे में, इससे पहले कि ए की इंटेंशन खरीदने वाली बी को पता चलती, जिस समय दोस्तों, जितने बजे, जिस दिन, जिस टाइम ए ने ऑफर करा बी को, उसी टाइम वहां दूर बैठे बी ने भी एक ऑफर की चिट्ठी लिखी, किसको, ए को। मतलब मैं तुझे सुनाऊं, तू मुझे सुना अपनी प्रेम कहानी, ये गाना नहीं सुनना है। यहां पर समझने का बात है कि ए ने बी को लिखकर ऑफर भेजा, बी को नहीं पता था कि मेरे पास कोई ऑफर आने वाला है,
बी ने भी बिल्कुल वही, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल, एक जैसा, सब कुछ सेम वाला ऑफर ए को चिट्ठी में लिखकर भेज दिया। तो ए ने बी को भेजा और बी ने ए को भेजा। बी ने क्या लिखकर भेजा देखिए, विल यू परचेज माई कार। मतलब ए कह रहा है तू अपनी गाड़ी बेचेगा, बी कह रहा है तू खरीदेगा। लेकिन अगर ए ने बी को बताया और फिर बी बोले मैं भी तो वही चाहता था, ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर। अक्सर आपने कभी कभी सुना होगा लोग आपस में बात करते हैं, ए ने बी से कहा भाई मैंने तुझसे एक बात पूछना चाहता था, तू अपनी गाड़ी मुझे बेचेगा? बी कह रहा है वाह यही कहने आ रहा था मैं। ना, ये यहां पर नहीं है। अगर मैं यही कहने आ रहा था मैं, कहानी का ऑब्जर्व करो, ध्यान से सोचो। ए ने पहले बी को बोल दिया मैं तेरी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, क्या तू मुझे अपनी गाड़ी बेचेगा? ए ने प्रश्न बोल दिया। फिर बी के मुख से शब्द क्या निकले, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही कहने वाला था, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, ये वही है जो मैं कहने वाला था। जी नहीं, ये कहानी इधर मैं नहीं डिस्कस कर रहा। मेरी कहानी में थोड़ा सा झोल अलग है, मेरी कहानी के कदम थोड़े अलग हैं, मेरी कहानी के स्टेप्स बिल्कुल निराले हैं। मेरी कहानी में क्या हो रहा है, ए ने बी को चिट्ठी लिखी जिस बात की, ठीक उसी बात की उसी समय बी ने भी ए को चिट्ठी लिखी। मतलब ए की तरफ से भी चिट्ठी गई और बी की तरफ से भी चिट्ठी आई, और दोनों चिट्ठियों का जो मजमून है, जो मैटर है, जो बात है, जो मुद्दा है, वो जो टॉपिक है, वो क्या है, आइडेंटिकल। अब जरा ध्यान से सोचो कि जब ए ने ऑफर भेजा तो ए कौन हो गया, ऑफरर, और बी कौन हुआ, ऑफरी। ए ने बी को चिट्ठी लिखी तो ए कौन हो गया, ऑफरर, और बी कौन हो गया, ऑफरी, है ना, पक्की बात है ना। अब बिल्कुल यही कहानी देखो दूसरे केस में, दूसरे केस में बी ने चिट्ठी लिखी तो बी कौन हो गया, ऑफरर, और ए कौन हो गया, ऑफरी। जो पहली चिट्ठी है ए ने लिखी बी के नाम, उसमें ए ऑफरर बी ऑफरी, और जो दूसरी चिट्ठी लिखी बी ने ए के नाम, उसमें बी ऑफरर ए ऑफरी, तो दोनों ही ऑफरर हो गए और दोनों ही ऑफरी हो गए, तो ये चल नहीं पाएगा। दोनों के ऑफर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जब मैंने आपको ऑफर करा दोस्तों, तो मैं ऑफरर आप ऑफरी, वैसा ही ऑफर उसी समय, ठीक उसी समय आपने मुझे करा तो आप ऑफरर और मैं ऑफरी। जब दोनों ने एक दूसरे को ऑफर कर दिया तो ये प्लीज समझिए कि जब दो लोग एक दूसरे को एक जैसा बिना किसी एक दूसरे की नॉलेज के ऑफर कर देते हैं, तो एक यहां से चला और एक यहां से चला, और दोनों अलग अलग टाइम पर चले कि एक साथ चला, एक साथ चला, ये जरा हाथों के इशारे देखिए आप, दो लोगों से ऑफर चला यूं, दोनों लोगों ने ऑफर कैसे दिया यूं, पहले एक से आया और फिर एक से आया, ऐसा नहीं है। ये डांस स्टेप्स नहीं सीख रहे आप, कभी आप खुद डांस करने लग जाएं स्टेप्स देखकर, क्लास चल रही है क्लास, एक स्टेप और दूसरा स्टेप, ऐसे नहीं है, दोनों स्टेप यूं हैं। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, अंधेरा कायम रहे, इसको क्या कह रहे हैं, क्रॉस ऑफर। अब जरा आप तस्वीर देखिए, तस्वीर में यही हुआ, ए और बी, ए ने बी को और बी ने ए को ऑफर किया। दोनों ने जब एक दूसरे को ऑफर कर दिया तो दोनों ऑफर आपस में क्या हो गए, कैंसिल, क्रॉस, इसलिए उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, व्हेन टू पार्टीज, जब दो लोग एक्सचेंज करते हैं क्या, आइडेंटिकल ऑफर्स, यही तो मैंने बताया आपको, आइडेंटिकल ऑफर्स। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या बतानी थी मुझे, इन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कब होगा, ए ने बी को भेजा और उसके बाद पढ़ लिया बी ने, फिर बी ने ए को भेजा, ये गलत है। इग्नोरेंस कैसे होगी, इग्नोरेंस तब होगी जब दोनों एक दूसरे को खत लिख रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है कि दोनों ने एक दूसरे को खत लिखा। वो हिंदी सिनेमा में दिखाते हैं ना, हीरो हीरोइन ऐसे एक ही बाजार में से होके निकल जाते हैं, कोई देख नहीं पाता। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ, इन इग्नोरेंस,
एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। द ऑफर्स आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। और बड़ी बात आपको बताऊं, ये दोनों ऑफर इनवैलिड हो जाती हैं, ये दोनों ऑफर कैंसिल हो जाती हैं, दोनों ऑफर की मान्यता बचती ही नहीं, ये दोनों ऑफर किसी काम के नहीं रहते, ये दोनों ऑफर खत्म हो जाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये जो चित्र आपके सामने है, इस चित्र में दो बातें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। ए और बी दो लोग हैं और वो ऑफर कर रहे हैं, ये बात नहीं। बड़ी बात पहली, ए ने बी को जिस समय ऑफर करा, बी ने ए को ठीक उसी समय ऑफर किया। ए ने बी को जिस समय ऑफर किया, बी ने ए को ठीक उसी समय ऑफर किया। एक तो ये बड़ी बात, ठीक। दूसरी बड़ी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि ए को बी के ऑफर के बारे में नहीं पता था और बी को ए के ऑफर के बारे में नहीं पता था, इसलिए दोनों के ऑफर आपस में क्या हो गए, क्लैश, क्रॉस, कैंसिल, इनवैलिड, खत्म। जिंदगी किसकी, दोनों ऑफर्स की। इस पूरे चित्र को आप पहले कॉपी करिए, उसके बाद मैं क्रॉस ऑफर के बारे में आपको लिखवाऊंगा और आपको पूरी तरीके से आपके अंदर ये बात बसा दूंगा कि क्रॉस ऑफर किसे कहते हैं। क्रॉस ऑफर इनवैलिड हो जाते हैं, दोनों में से किसी एक को ठंड रखनी पड़ेगी। भाई तू रुक जा एक मिनट, मैं करता हूं ऑफर, ये तो चल जाएगा। अरे दोनों एक साथ एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक, अच्छे से पहले ये चित्र कॉपी कर लीजिए, और मुझे लगता है शायद अब तक आपने कॉपी कर भी लिया होगा। अब इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं मिटा दूं इसको, मतलब आप तो पॉज करके लिख लोगे ना। चलो जी लिखिएगा, व्हेन टू पर्संस, जब दो लोग मेक आइडेंटिकल ऑफर्स, व्हेन टू पर्संस मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर Without knowledge, without knowledge of each other's offer, एक दूसरे के ऑफर का ज्ञान हमें नहीं है, comma, they are called, they मतलब वो दोनों ऑफर, ठीक है, they are called cross offers. इनको हम क्रॉस ऑफर्स कहते हैं, राइट? याद रखिएगा, उन दोनों को क्रॉस ऑफर कहेंगे। दे बोला मैंने, दे इधर से भी और इधर से भी, एक एक करके नहीं, एक साथ क्रॉस। बोथ आइडेंटिकल ऑफर्स get cancelled with each other because, ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि दो ऑफर और दो ऑफर ही नहीं हो सकते कहानी में। आपने सुना होगा एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और भले ही रह लें यह नहीं रह सकते। अरे एक ही तो ऑफरर होगा, एक ही तो ऑफर ही होगा, दोनों ऑफरर और दोनों ऑफर ही होगा तो बड़ा गलत हो जाएगा। देखो आप, बोथ आइडेंटिकल ऑफर्स गेट कैंसल्ड विद ईच अदर बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू ऑफरर्स एंड टू ऑफरीज, दो ऑफरर और दो ऑफरी नहीं हो सकते, ये लिखो आप, ठीक है सर। दो में से किसी एक को रुकना पड़ेगा और फिर ऑफर होगा, दोनों एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, क्रॉस ऑफर। अच्छा, इसका एक छोटा भाई है, अगली स्लाइड में मिलेगा आपको, काउंटर ऑफर।
जो इसका छोटा भाई काउंटर ऑफर, उसे पढ़कर आपको वही कंफ्यूजन हो सकता है जो आपको ऑफर और इनविटेशन रूम में होता है। कभी कभी बच्चे को लगता है, बच्चे को, आपको नहीं, आप तो खास लोग हैं, सामान्य बच्चे को लगता है कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर अलग है, लेकिन आपको नहीं लगता, मुझे पता है। बिल्कुल वैसे ही ये और इसका दूसरा भाई, छोटा भाई, जो अभी इसके बाद आएगा, इसके बाद जन्म लेगा, आपके दिमाग में क्रॉस ऑफर का जन्म हो चुका है। इसके बाद जो अगला बालक जन्म लेगा आपके दिमाग के अंदर, वो है काउंटर ऑफर। तो जब काउंटर ऑफर पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे, ओहो ये तो वही है, तो वही नहीं है। अगर आपने मेरे हाथ के इशारे को ध्यान रखा तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। क्रॉस ऑफर याद रखिएगा, एक के बाद दूसरा हाथ या एक साथ दोनों हाथ, एक साथ दोनों हाथ, याद रखिएगा प्लीज। क्रॉस ऑफर में पहले एक फिर एक, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ एक दूसरे को ऑफर करते हैं तब क्रॉस ऑफर होता है। और अगर आपने ये जेस्चर, ये बॉडी लैंग्वेज, ये हाथों का पैटर्न याद रख लिया ना, तो बस बल्ले बल्ले हो गए, बिना ढोल के नाच लोगे आप, देखना। अगला समझने से पहले पक्का रट लो दिमाग के अंदर, पी जाओ ये बात। टॉपिक रटने को नहीं कह रहा हूं, पैटर्न रटने को कह रहा हूं। यू राइट, आप सोचो कितना कमाल चल रहा है, डांस स्टेप से चैप्टर चल रहा है, दिस इज डन। हां जी दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला है काउंटर ऑफर। ये देखिए काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर में यहां बड़े से चित्र में क्या लिखा है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। आपको यह अच्छे से पता होगा कि सामने वाले से जब हम ऑफर के बाद उम्मीद करते हैं कि वो एक्सेप्टेंस करेगा, तो हम चाहते हैं दोस्तों कि या तो वो हां कर दे या वो ना कर दे। हम चाहते हैं कि सामने वाला या तो जवाब में असर्टिव अफर्मेटिव हां कर दे कि भाई मैं ऑफर का एक्सेप्ट करने को राजी हूं, या फिर वो मना कर दे, बीच में कुछ और बात ना चिपका है। हमने ऑफर करा, क्या कोई हमारी गाड़ी खरीदेगा, तो जवाब आना चाहिए था हां, यह जवाब आना चाहिए था ना, एक्सेप्टेंस होता या रिजेक्शन होता, इतनी सी तो कहानी थी भाई। ऑफर या तो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता, बस यही तो स्टेप्स हैं। लेकिन नहीं, जवाब में क्या आया, पहले आपको ऑफर याद दिला दूं, ऑफर क्या था, हमने ऑफर करा क्या कोई हमारी गाड़ी खरीदेगा, तो जवाब में आप बताइए क्या आना चाहिए था, या तो हां या तो ना। जवाब में क्या आया, हां खरीद तो लूंगा लेकिन 2 लाख में, ज्यादा नहीं दूंगा। तो उससे पूछो कि बदमाश आदमी, तू जवाब दे रहा है कि सवाल पूछ रहा है भाई, वो कह रहा हां मैं खरीद लूंगा। अरे तो हां खरीद लूंगा तो वो ये कब कह रहा है मैं खरीद लूंगा, वो तो हमसे पूछ रहा है 2 लाख में बेचोगे तो खरीदूंगा। तो वो एक्सेप्टेंस कर रहा है या पलट कर ऑफर कर रहा है, पलट कर ऑफर। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, हां करने वाले व्यक्ति को ये कोई हक नहीं कि वो अपनी हां के पीछे और आगे शर्तें चिपका दे। अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगा देते हैं तो फिर आप हां कब कर रहे हैं, आप तो पलटवार करके फिर एक ऑफर पूछ रहे हैं जिस पर हां हमें करनी पड़ेगी। सवाल सुनिए क्या था, क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, जवाब क्या होना चाहिए था, हां खरीदूंगा या फिर नहीं, नहीं खरीदूंगा। अगर सामने वाला जवाब में यह देता है खरीदूंगा तो, लेकिन 2 लाख में, 2 लाख से ज्यादा में नहीं, अगर मैं बाय करूंगा तो सिर्फ इतने में खरीदूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं खरीदूंगा। तो आप सोचो कि जो आदमी हां कर रहा है उसके साथ वो कंडीशन पे भी तो लगा रहा है। तो सामने वाले ने अगर एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन लगा दी तो फिर वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं, वो तो पलट कर आने वाला एक और क्या है, ऑफर, जिस पर हमें हां करनी है अब। ठीक, मैं आपको ये लिखकर दिखाता हूं फिर आपको समझ आएगा। काउंटर ऑफर का टॉपिक चल रहा है, लेकिन काउंटर ऑफर में पहले आप चित्र देख लीजिए, कंडीशनल एक्सेप्टेंस समझ आ गया ना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस की फोटो को हटा देते हैं। और यहां पर भी दोस्तों मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप यहां पर भी साथ साथ लिख लीजिएगा, बड़ा लिखना है हमें, ज्यादा लिखना है। पहले कुछ डायग्राम, कुछ चित्र, कुछ बातें आपको बताऊंगा मैं, और उसके बाद हम लिखेंगे अपने शब्दों में जो हमें लिखना है। तो अगर मान लो आपको लिखने में बाद में टाइम लगे तो आप वीडियो रोक रोक के लिखते रहिएगा, ठीक है। ये क्रॉस ऑफर का छोटा भाई है, थोड़ा सा ताकतवर है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। जनरल और स्पेसिफिक की तरह, जनरल छोटी छोटी बात नहीं है, अच्छे से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करिए ए ने बी को क्या करा, ऑफर, ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं ये नहीं लिख रहा कि ऑफर करा, मैं तो आपको वो लिख के दिखा रहा हूं एग्जैक्ट लाइन जो इन्होंने बोली होगी।
विल यू बाय माय कार, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे? ठीक, ये सवाल है, क्लियर हो गए? पर अब यहां से जवाब आया यस बट एट 2 लाख ओनली। हां मैं खरीदूंगा लेकिन सर अब 2 लाख पर। अब इस 2 लाख वाली शर्त पर तो ए को हां करना है ना, इस 2 लाख वाली शर्त पर तो ए सोचेगा कि 2 लाख पे बेचूं कि नहीं बेचूं, वो राजू तो 2.5 लाख दे रहा था, राजू तो 3 लाख दे रहा था, कहीं और जाके तो शायद महंगी बिक जाएगी, भी तो 2 लाख देगा, बेचूं कि ना बेचूं। अब तो हां करने का जब जिम्मा इस पर आ गया। आप प्लीज समझिए कि ए से बी के पास सवाल गया, बी से ए के पास जवाब आना चाहिए था एक्सेप्टेंस का, तो जवाब में जो भी आता वो मान लेते, लेकिन जवाब में जवाब थोड़ी आए, जवाब में छिपा हुआ एक और सवाल आया। क्या सवाल है वो छिपा हुआ? मैं तो 2 लाख दे सकता हूं, बेचेगा बता? बी क्या कह रहा है? मैं खरीद लूंगा तेरी गाड़ी। बाप क्या बात करी तूने, भाई खरीदेगा लेकिन 2 लाख दूंगा, 2 लाख ज्यादा एक पैसा नहीं दूंगा, बता। अब तो इसे बताना है ना ए को, आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जिस ए ने सवाल पूछा था, जिस ए को जवाब मिलना चाहिए था, जिस ए के हाथों में आंसर आना चाहिए था, वो मासूम ए अब उत्तर दे रहा है, सोचिए। वो मासूम ए अब जवाब दे रहा है, आप सोचिए। तो अब यहां पर तीसरा कदम हुआ, यहां से फिर जवाब आया, और अब जवाब क्या आया सोचिए। ओके आई एम रेडी, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं। ये ए ने जो पहला करा था, हां जी, ये जो पहली लाइन थी ये थी ऑफर, ए ने जो बी को करा था, और बी ने जो ए को करा था वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो थी कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस जिसमें हमने कंडीशन लगा के हां करी। अब इस हां पर ए को हां करनी है, तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस। ये जो फाइनल निकल कर आई ये है एक्सेप्टेंस। अब आप पूछ रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे और आपका मन कह रहा होगा पता लगाने के लिए कि फिर टॉपिक का नाम तो काउंटर ऑफर था, काउंटर ऑफर कहां गया? अरे आप भूल गए, आपको याद दिलाऊं मैं। इस चित्र में क्या लिखा था? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि काउंटर ऑफर और कुछ नहीं, सिर्फ क्या है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। भाई ये वाला जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस है यही क्या है? काउंटर ऑफर। यही टॉपिक है। जब कोई जवाब में हां ना बोले, जब कोई जवाब में एक्सेप्टेंस ना दे, जब अपनी एक्सेप्टेंस में कोई आदमी क्या चिपका दे, अपनी तरफ से, अपनी तरफ से बोला हुआ कोई शर्त कि भाई मेरी तो हां है लेकिन मेरी ये शर्त है। अरे तो तेरी हां कब हुई? अब तो हमें हां करनी है तेरी शर्त पर। एक और तरीका बताऊं समझने का, सोचिएगा। पॉइंट वन, ए ने ऑफर भेजा बी को, तो बताना ऑफरर कौन? प्लीज बताओ ऑफरर कौन, ऑफरर कौन, ऑफरर कौन? ए। जब बी से पलट के फिर एक ऑफर आ गया 2 लाख वाला, बी से पलट के एक्सेप्टेंस नहीं आई, बी से पलट के क्या आया? फिर एक ऑफर आ गया, तो अब बी कौन हो गया? ऑफरर। और ए कौन हो गया? ऑफरी। तो ऑफरर क्या बन गया? ऑफरी। जब हमने ऑफर करा और ऑफरर बने थे हम ही पलट के ऑफरी हो गए। हमने ऑफर भेजा था, हमें ऑफर मिल गया पलट के। तो बड़ा आसान है समझना कि जब पलट कर ऑफर मिले, हमने ऑफर भेजा तो हम ऑफरर थे, हमें पलट कर ऑफर मिल गया तो हम ऑफर ही हो गए। तो काउंटर ऑफर को आप कई तरीकों से लिख सकते हो पेपर में। ऑफर के बदले ऑफर आए, काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस में कंडीशन जुड़कर आए, काउंटर ऑफर। जब हम ऑफरर से ऑफरी अपने आप बन जाएं तो भी क्या? काउंटर ऑफर। इसको आसान शब्दों में लिख के दिखाता हूं आपको मैं, लेकिन आपको खेल समझना होगा। ये जो बीच वाला पॉइंट है,
हाँ खरीदूंगा लेकिन 2 लाख में, यही बात क्या है काउंटर ऑफर। जब सामने वाला एक्सेप्टेंस ना दे, एक्सेप्टेंस में कंडीशन जोड़ के दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर। आई होप दैट इज ऑल राइट। मुझे उम्मीद है कि यह बात क्लियर हो गई आपको। बहुत ध्यान से समझिएगा, ए ने बी को ऑफर करा, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे? बी ने कहा हाँ खरीदूंगा लेकिन 2 लाख में खरीदूंगा, तो पलट कर क्या आई, एक्सेप्टेंस लेकिन कंडीशन के साथ चिपकी हुई। तो कंडीशन के साथ चिपकी हुई एक्सेप्टेंस असल में एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो तो पलट में आया हुआ एक ऑफर होता है, इसलिए इसे काउंटर ऑफर कहते हैं। राइट, यू हैव रिटन इट। चलो अब मैं लिखता हूं, इसको लिख लिया ना, कुछ छोड़ना मत। मैंने कई बार कहा है, आज फिर कहता हूं, दुर्घटना से देर भली। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भले ही टॉपिक समझने में देरी लगे, 2 की जगह 3 क्लास लगे, अंत में सब भला होगा। और अंत क्या है भाई, पेपर और रिजल्ट। अगर वो भला है तो बस हमारी तैयारी भली है, है ना। देखो भाई, व्हेन एन ऑफर इज गिवन, व्हेन एन ऑफर इज गिवन कॉमा, ऑफरी शुड गिव एक्सेप्टेंस ऑफरी शुड गिव एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विदाउट पुटिंग एनी कंडीशन टू इट। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां लिखा है व्हेन एन ऑफर इज गिवन, ऑफरी शुड गिव एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। क्लियर कट है या ना होना चाहिए कि भाई मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन ये करो, तो ये क्या बात हुई, ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस है विदाउट पुटिंग एनी कंडीशन टू इट। दूसरी बात, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, इट इज इन फैक्ट। ये असल में क्या है, इट इज इन फैक्ट अ काउंटर ऑफर। ये तो पलटकर ऑफर आ गया। और पता हूं एक और खास बात, जब ए ने पूछा क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, तो बी ने क्या कहा, हां खरीदूंगा लेकिन मैं 2 लाख से ज्यादा रुपए नहीं खरीदूंगा। तो जो ए का ऑफर था ना वो खत्म, अब तो नया ऑफर है जिस पर हमें हां करनी है। ऑफर, बोलो ऑफर, साथ साथ बोलना मेरे, बोलो ऑफर। आया ऑफर, इधर से क्या आ गया, काउंटर ऑफर। तो अब जो एक्सेप्टेंस आएगी वो तो इस काउंटर ऑफर पर आएगी ना, इधर से इधर जो ऑफर गया वो तो पुराना हो गया। अब आप देखो तीसरा पॉइंट, काउंटर ऑफर रिजल्ट्स इन कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर रिजल्ट्स इन कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। पहले जो ऑफर आया था वो तो खत्म, अब तो तेरा ऑफर चालू हो गया। काउंटर ऑफर रिजल्ट्स इन कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर एंड काउंटर ऑफर बिकम्स द मेन ऑफर। अच्छे से आराम से समय ले लेकर 20 सेकंड लगाइए, पढ़िए इसे आराम से। सर बड़ी बात यह है कि आपको ऑफर के टाइप सारे समझ आ जाएं। यहां पर आपने लिखा है कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है वही काउंटर ऑफर होती है। मैं यहां पर भी हाईलाइट कर देता हूं, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स, ऑफरी ऑफर्स, बी को भेजा था ना ऑफर, बी कौन था, ऑफरी, ऑफरी ने ऑफर कर दिया, जिसको हमने ऑफर भेजा उसने हमें ऑफर भेज दिया पलट कर। ऑफरी ऑफर्स
क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड मतलब कंडीशनल, क्वालिफाइड मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस वेरिएशंस इन ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल वाले में बदलाव करके जब उसने पलट कर भेजा तो उसे क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। यही समझा रहा हूं मैं इतनी देर से, आप पहले से लिख लीजिए, फिर मैं अब आपको बताना चाहता हूं क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर का डिफरेंस जो है। क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में जो डिफरेंस है वो आपको और अच्छा समझ आएगा। फिलहाल आपने ये लिख लेना है और समझ लेना है। डन, मिटा दूं ना मैं। अब मैं क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर को आपको डायग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हां जी जगह बन गई ना अच्छे से। अब बनाते हैं, देखो क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर दोनों को मैं एक एक साथ बता रहा हूं। आप लोग भी अपनी अपनी जगह नोटबुक बुक जहां पर भी लिख रहे हैं आप वहां पर क्रॉस और काउंटर शब्द लिख लीजिए और एक एक करके कहानी आगे बढ़ाते हैं, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर कैसे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। हाँ, ये ए है, यहां पर भी ए है, ठीक है। ए ने बी को ऑफर करा, यहां पर ए ने बी को ऑफर करा, राइट। लेकिन ऊपर और नीचे में बड़ा फर्क शुरुआत से क्या है कि ए ने बी को ऑफर करा और बी ने ही ए को ऑफर करा, और जो पहले वाले दोनों ऑफर हैं वो कैसे हैं? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस एंड आइडेंटिकल ऑफर। साइमल्टेनियस एंड आइडेंटिकल ऑफर। ए ने बी को लिखा, विल यू बाय माय कार। बी ने को क्या लिखा, विल यू सेल योर कार। अब बताओ, सबसे पहली बात एक जैसा ऑफर, दूसरी बात एक साथ ऑफर। पहले एक आया दूसरा फिर आया, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ आए, ये है क्रॉस ऑफर। इसको घूर घूर के आंखों में बसा लीजिए बिल्कुल। अभी मैं जूम कर दूंगा आपके लिए, आपको और अच्छे से देखना हो तो। दूसरे वाले में ए ने बी से कहा, विल यू बाय माय कार। बी को क्या कहना चाहिए था? हां या ना। लेकिन बी क्या कह रही है पलट कर देखो, बी कह रही है यस बट एट 2 लाख्स, हां लेकिन 2 लाख में। अब ए ने क्या करा, जवाब दिया ओके, आई एग्री। अब ध्यान से देखिए कि ऊपर ये और ये दोनों क्या है? क्रॉस ऑफर्स, क्योंकि दोनों एक जैसी बात एक ही साथ कर रहे हैं। और यहां पर जो ये बीच वाला है ऑफर के ठीक बाद जो पलट कर आया, इसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। यहां पर आइडेंटिकल कुछ नहीं है, यहां पर सेम कुछ नहीं है, यहां पर वन आफ्टर अनदर है। दूसरे वाले में पहले ए ने बी को चिट्ठी लिखी, फिर जवाब आया बी का, फिर ए का जवाब दोबारा से गया, तो यहां पर काउंटर ऑफर है एक के बाद एक। ध्यान से देखिएगा क्रॉस में क्या शब्द है जो हमें याद रखना है, एक साथ
और काउंटर ऑफर में क्या याद रखना है? एक के बाद एक, क्लियर हुई है बात आपको? अब इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं कुछ बताना चाहता हूं इससे पहले कि हम अगले टाइप पर आए। ये लिख लिया आपने? मैं मान लेता हूं आपने लिख लिया। देखो सर, एक बात बहुत जरूरी है, कोई मैं भाषण नहीं देता आपको बीच बीच में, लेकिन मैं आपके अंदर के उस अपार साहसी बच्चे को जगाना चाहता हूं जो आपके अंदर छिपा हो जाता है और कभी कभी आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर सकते हो। कोई बात दोस्तों जंग की और चैलेंज की नहीं है, लेकिन अपने आप को आप ये समझाओ कि जो भी आप रूल पढ़ रहे हो वो सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, सिंपल तरीके से भाई समझा रहा है। किसी भी हालात में आपको ये अगर मन में आपने बिठा लिया कि हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। टेक इट इजी, मेक इट इजी, ये मेरे दो नियम हमेशा याद रखो आप, मैंने बनाए हैं नियम। टेक इट इजी, मेक इट इजी, आसानी से इनपुट लो और आसानी से आउटपुट दो, तो ही सब कुछ सही रहेगा। मैं आज की क्लास में आपको दोबारा याद दिला दूं कि हो सकता है कि आपके दिमाग में दो कंफ्यूजन्स हो सकता है आपके दिमाग में दो क्वेरीज, दो डाउट आए, लेकिन कोई भी डाउट बने रहना नहीं चाहिए ज्यादा देर तक। मैं आंसर दे चुका हूं, आप भी एक बार वीडियो पूरी होने के बाद, चैप्टर पूरा होने के बाद, तो क्लास आज की पूरी होने के बाद अकेले बैठकर मेरे लिखाए और मेरे पढ़ाई चीजों को देखकर अच्छे से इमेजिन कर करके सोचिएगा, एग्जाम्पल बना बनाकर सोचिएगा, क्या वाकई में कोई प्रॉब्लम है? क्या दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पहला, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, एक तो ये चीज है, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, और दूसरा क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। सबसे बड़ी कंफ्यूजन की जो गहराई वाली नदी है वो यही दो है, और अगर आपने इसको अच्छे से मेरी बात समझकर समझ लिया, सुनकर समझ लिया, तो बाकी सब कुछ तो बहुत आसान है। प्लीज कोशिश करिएगा इसको समझने की, और अब मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ रहा हूं। आइए अगला टाइप देखते हैं, ओपन ऑफर। ओपन ऑफर बड़ा आसान है समझना भाई। मान लीजिए कहीं कोई ऑफर है, तो कहीं पर कोई ऑफर जिंदगी भर थोड़ी रहेगा। पिछले वाले केस में यहां पर ए ने बी से पूछा कि मेरी गाड़ी खरीदोगे, भी जवाब नहीं दे रहा, तो आप ये सोचो कि अगर भी जवाब नहीं दे रहा तो इसका ये मतलब भी तो हुआ कि बी अभी सोच रहा होगा, तो चल रुक जाते हैं। लेकिन सोचो आप कि वो कब तक रुका हुआ है, कब तक चुप है? अरे कोई एक पर्टिकुलर टाइम तो रखना ही पड़ेगा ना जवाब देने का, और अगर हमने टाइम नहीं रखा तो भी रीजनेबल टाइम में तो जवाब देना ही पड़ेगा ना आपको। भाई एक आदमी दूसरे से पूछ रहा है कि मुझे मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए टेंट चाहिए। शहर के अंदर एक ट्रेड फेयर लगने वाली है, एक मेला लगने वाला है, एक एग्जीबिशन लगने वाली है, एक प्रदर्शनी लगने वाली है, और आप टेंट बेचते हो, टेंट का कपड़ा किराए पे देते हो, और मुझे अपनी दुकान लगानी है, और मैं आपको पूछूं कि भाई मुझे टेंट का कपड़ा चाहिए, दे दोगे? आप कहो जी मैं अभी बताता हूं, अभी पूछ के पता करके बताता हूं। अब आप ये सोचो कि अगर आप ये पता करके सोच के पूछ के बताओगे तो कब तक बताओगे? मेला खत्म होने के बाद? भाई मैं आपसे कहूं कि मैं आपके सारे चैप्टर कराऊंगा, सारे चैप्टर कराऊंगा, सारे चैप्टर कराऊंगा, कोर्स कराऊंगा, कोर्स कराऊंगा, कोर्स कराऊंगा, कब? एग्जाम के बाद? मेरा कहने का मतलब है कि किसी ने किसी को ऑफर करा तो जिंदगी भर थोड़ी इंतजार करेगा। किसी ने किसी को प्रपोज करा और सामने वाले ने समय मांग लिया, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, किसी ने किसी को प्रपोज करा और सामने वाले ने या सामने वाली ने समय मांग लिया कि आई नीड सम टाइम टू से एंड टाइम टू थिंक, तो आपको जिंदगी भर थोड़ी इंतजार करोगे? हिंदी सिनेमा में वीर जारा अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। तो मेरा सवाल यहां पर यह है कि जब तक हम उसकी हां का इंतजार करने के लिए तैयार हैं, जब तक हम उसकी हां का इंतजार करने के लिए तैयार हैं, तब तक उस ऑफर को क्या कहते हैं? ओपन। और जब वो समाप्त हो जाता है तो फिर उसे क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। आइए जरा देखते हैं, बहुत आसान टॉपिक है ओपन ऑफर। ओपन ऑफर का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक हम एक्सेप्टेंस का इंतजार कर रहे हैं तब तक हमारे लिए उसके लिए वो ऑफर ओपन है, और जब वो समाप्त हो जाएगा तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। देखिए, एन ऑफर विच इज अलाउड
विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे स्टैंडिंग बोलते हैं, कंटिन्यूइंग बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, एक ही बात है। तो इसमें कोई ज्यादा डायग्राम, फ्लो चार्ट, चित्र, उदाहरण बनने की जरूरत नहीं है। बस आइए सीधे लिखना शुरू करते हैं। पहले इस तस्वीर को आप देख चुके ना, ओपन ऑफर, बस इसे उड़ा देते हैं। When offerer gives some time to offeree for accepting the offer, ध्यान से देख रहे हैं आप, when offerer gives some time to offeree, जब ऑफर और ऑफरी को क्या दे देता है, टाइम, किस बात के लिए, फॉर एक्सेप्टिंग दी ऑफर कॉमा दी ऑफर इज सेट टू बी, दी ऑफर इज सेट टू बी ओपन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इनका कहने का मतलब है कि अगर ऑफरर ने ऑफरी को कुछ समय दिया ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, सोचने के लिए कि हाँ भाई आराम से सोच ले, 10 दिन है तेरे पास, सोच के बता दियो, सोच के आराम से बता दियो कि तुझे ये ऑफर एक्सेप्ट है कि नहीं है, ऑफर मंजूर है कि नहीं है, और अगर ऑफर मंजूर है तो हाँ कर दियो। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो 10 दिन, जितने दिन हमने उसे दिए उतने दिन वो सोचकर हाँ या ना कर सकता है, तो उतने दिनों के लिए ऑफर क्या है, ओपन। Once the time period expires, once the time period expires, एक बार अगर वो time period expire हो जाए तो फिर क्या होता है, the offer lapses and is called closed। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपके इंस्टीट्यूट की किताब में, सीए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मॉड्यूल है, उसमें क्लोज्ड ऑफर टाइप में नहीं है। जब आप टाइप्स की बात करते हो टाइप ऑफ ऑफर में, तो वो ओपन ऑफर पे टाइप खत्म हो जाता है। मतलब जैसे आप बोलो कि एक जनरल तो एक स्पेसिफिक, एक क्रॉस तो एक काउंटर, बिल्कुल वैसी ऑपोजिट होता तो होता एक ओपन और एक क्लोज्ड, लेकिन ओपन तो है लिस्ट में, क्लोज्ड नहीं है, भाई जो खत्म हो चुका वो ऑफर ही नहीं बचा। क्लियर हो गई जी बात, इसको आराम से देख लीजिए। व्हेन ऑफरर गिव्स सम टाइम टू ऑफरी फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर इज सेट टू बी ओपन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उतने समय के लिए उसको बोलते हैं ओपन। वंस द टाइम पीरियड एक्सपायर्स, एक बार अगर समय गुजर गया, जितना दिया था भाई 10 दिन दिए गए थे, विल यू बाय माई कार, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, कृपया 10 दिन में बताएं, तो 11वें दिन, 10वें दिन की समाप्ति पर वो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड, लैप्स्ड, खत्म। क्लियर हो गई ना बात, बढ़ जाए आगे। मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले आपको पीछे लेकर जाना चाहता हूं, वो सारे ऑफर दिखाना चाहता हूं। देखिए ऑफर के टाइप, पहला था जनरल, याद है, जो सबको करा, जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा है स्पेसिफिक, जो सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर किया गया है। तीसरा क्रॉस ऑफर, जब दो लोग एक दूसरे की नॉलेज के बिना एक दूसरे को एक ही समय एक जैसा ऑफर करें, वो क्रॉस है, ऐसे। फिर उसके बाद काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर में ये वाला जो पेज था वो सब ऊपर हटा दिया था ना मैंने, काउंटर ऑफर में देखो ऊपर छोटा सा लिखा काउंटर ऑफर, दिखाई देता हूं यार, तुम सोचो कि कहां गया, ये रहा काउंटर ऑफर था ना। काउंटर ऑफर में क्या था कि एक व्यक्ति ने ऑफर करा और बदले में हां की जगह कंडीशनल हां आई, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। अगला है ओपन ऑफर, अगर ऑफरर ने ऑफरी को कुछ समय दे दिया सोचने के लिए, हां करने के लिए, तो जितना समय दिया उतने समय तक वो ऑफर क्या है, ओपन। बधाई आप सबको, ऑफर के टाइप पूरे हुए। अब अगला टॉपिक है एक्सेप्टेंस, अभी क्लास चालू है मेरी, कुछ समय और है। एक्सेप्टेंस के अंदर, एक्सेप्टेंस का जो मतलब है दोस्तों, वो तो हमें पता है,
आज हमें एक्सेप्टेंस का मतलब समझना है और एक्सेप्टेंस के रूल समझने। आज की मुलाकात में एक्सेप्टेंस तो हम समझ लेंगे, रूल समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मीनिंग बहुत हद तक आपने पढ़ भी रखा है। जब आप ऑफर और एक्सेप्टेंस शुरुआत में पढ़ रहे थे, जब आपने एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, जब आपने ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तब आप देख रहे थे कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आपने ऑफर क्या होता है पढ़ा, फिर वो रूल ऑफ ऑफर पढ़े, उसी प्रकार मैं अब चाहता हूं कि आप रूल ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ने से पहले एक्सेप्टेंस का मतलब पढ़ लें। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन आप कर चुके हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब आपको पढ़ता है, एक्सेप्टेंस के रूल हमें पढ़ने चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अगला पिछले पर डिपेंडेंट भले ही नहीं होता, लेकिन अगला पिछले से कनेक्टेड जरूर होता है। तो आपको पिछले टॉपिक से कनेक्शन जरूर देखना चाहिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कोई पर्सन जिसको, टू हुम मतलब, टू हुम मतलब वो इंसान जिसको ऑफर किया गया था, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑफरी। When the person to whom the proposal is made, ऑफरी की तो बात हो रही है। एक्सेप्टेंस की परिभाषा when से शुरू हुई, एक्सेप्टेंस की कहानी when से शुरू हुई? जब जिसको हमने ऑफर दिया है वो ऑफरी। सिग्निफाइज मतलब एक्सप्रेस करता है क्या? अपनी एसेंट, अपनी कंसेंट, अपनी यस। देयर टू मतलब ऑन द ऑफर। प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। याद करिए वो दिन, वो प्यारा सा पल जिस समय आप पढ़ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट बना है अग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ से, वो प्यारा सा पल जब आप पढ़ रहे थे अग्रीमेंट बना है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन से, और दोस्तों वो प्यारा सा हसीन पल जब आप पढ़ रहे थे कि प्रॉमिस बना है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से, यही लिखा है यहां पर। आखिरी वाला पढ़िए ध्यान से, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दो फाउंडेशन स्टोन हैं, ये दो हमारी नींवें हैं, ये दो ऐसे पिलर हैं जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। ऑफर के रूल हम पढ़ चुके और अब एक्सेप्टेंस के रूल आपके सामने हैं। एक्सेप्टेंस के रूल शुरू करने से पहले मैं ये विश्वास चाहता हूं आपसे कि आप जब एक्सेप्टेंस के रूल पढ़ेंगे तो रूल शुरू करने से पहले आप ये अच्छे से समझ लेंगे कि ये एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, अगला जो एक्सेप्टेंस के बारे में एक मैं लाइन आपको बताना चाहता हूं, उसको समझने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊं। इससे पहले कि आप रूल पढ़ें, इससे पहले कि आप अगली स्लाइड पर जाएं, आप बस ईमानदारी से इमेजिन करिए एक सिचुएशन। आपने सुना होगा, कहावत है मशहूर, बंदूक से निकली गोली, बहुत ध्यान से सुनिए कृपया, बंदूक से निकली गोली, धनुष से निकला बाण, मुख से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। मेरी बात सुनने की कोशिश करिएगा, समझिए कृपया, मुख से निकले शब्द, धनुष से निकला बाण, बंदूक से निकली गोली अगर एक बार चल जाए तो फिर वापस नहीं आती। उसी प्रकार अगर ऑफर एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। और उसके बाद तो वो निभाना ही पड़ेगा, वो तोड़ा नहीं जा सकता। सर, मेरा दिल नहीं कर रहा आपको आगे लेकर जाने का, पैवी पहले आप मेरी बात से रूबरू हो जाइए, पहले आप मेरी बात से अप्रूवल दे दीजिए, पहले मेरी बात को आप हां कर दीजिए कि आप समझ गए क्या बोला मैंने। जैसे जैसे मुख से निकले शब्द निकल गए तो निकल गए, वापस नहीं आते। बंदूक से निकली गोली निकल गई तो निकल गई, वापस नहीं आती। धनुष से निकले तीर निकल गए तो निकल गए, वापस नहीं आते। उसी प्रकार अगर हमने ऑफर पर एक्सेप्टेंस दे दी तो दे दी, ऑफर पर एक्सेप्टेंस चिपकते ही वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। और फिर तो उसे निभाना ही पड़ेगा। देखिए आप ध्यान से, एक मशहूर विद्वान आदमी ने रिलेशनशिप समझाई है ऑफर की और एक्सेप्टेंस की। एक मशहूर विद्वान आदमी ने क्या समझाई है? रिलेशनशिप किसकी? ऑफर और एक्सेप्टेंस की। और वो रिलेशनशिप है इस चित्र में। ये जो पाउडर सा जल रहा है,
ये जो कटोरी में कुछ रखा हुआ जल रहा है, ये है गन पाउडर, बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ। और ये जो माचिस की तिल्ली, मैच बॉक्स, मैच स्टिक इसे जलाए आई, बिल्कुल वही कहानी है ऑफर और एक्सेप्टेंस की। कि ऑफर तो वो बारूद है, ऑफर वो मसाला है, ऑफर वो पाउडर है जिसमें आग लगने की पूरी संभावना है, लेकिन वो आग कौन लगाएगा? एक्सेप्टेंस। ऑफर है वो पाउडर और एक्सेप्टेंस है वो माचिस की स्टिक, माचिस की तीली, वो मैच स्टिक जो आग लगा देगी, तो फिर गन पाउडर नहीं बचेगा। आपको याद दिलाऊं प्लीज, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद ऑफर नहीं रहता, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद ऑफर नहीं रहता, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद ऑफर नहीं रहता। जी हां, मैंने तीन बार बोला, क्योंकि आप पिक्चर को देख रहे हो बार बार, आप मेरी बात सुनो। ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर नहीं रहता, बारूद जलने के बाद बारूद नहीं रहता, आग बन जाता है। उसी प्रकार ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद ऑफर नहीं रहता, क्या बन जाता है? प्रॉमिस। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये जो आप लाइन सुन रहे हैं ये सर विलियम एनसन ने लिखी है, ये जो आप लाइन सुनने जा रहे हैं ये महान विद्वान ने लिखी है, और रिश्ता बताया है ऑफर और एक्सेप्टेंस का। जरा देखिए क्या बताया है, देखिए आप, अकॉर्डिंग टू सर विलियम एनसन, पहले मैं इस तस्वीर को एक मिनट हटा दूं, क्योंकि मुझे इस वाले में कुछ लिखना नहीं है। ये ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सर विलियम एनसन, एक्सेप्टेंस इज, एक्सेप्टेंस है क्या? टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ध्यान से देखिएगा, जली हुई माचिस जो गन पाउडर के लिए काम करती है, वही काम एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए करती है। दोबारा देखिए, ट्रेन ऑफ गन पाउडर क्या है? ट्रेन ऑफ गन पाउडर क्या है? ऑफर इन इटसेल्फ इज इनर्ट, उसके अंदर आग छिपी है लेकिन वो बाहर नहीं निकलती, उसके अंदर कैपेसिटी है। लेकिन लाइटेड मैच क्या है? द एक्सेप्टेंस विच कॉजेज द गन पाउडर टू एक्सप्लोड। दोबारा सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, वो मैं अपने शब्दों में लिख के दिखा दूंगा आपको। लेकिन यहां पर बड़ी चीज क्या देखी है, गन पाउडर है वो ऑफर, वो बारूद जो जो इंतजार कर रहा है, आए माचिस और आग लगा दे मुझमें, वो ऑफर इंतजार कर रहा है कि कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले और मैं प्रॉमिस बन जाऊं। और वो एक्सेप्टेंस वो माचिस है जो जुड़कर, चिपक कर और जलकर उसे प्रॉमिस बना देती है। जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस के मिलने के बाद रूप बदलकर प्रॉमिस बन जाता, उसी प्रकार बारूद नाम का ऑफर, विस्फोटक पदार्थ गन पाउडर नाम का ऑफर, एक्सेप्टेंस नाम की माचिस मिलने से रूप बदलकर प्रॉमिस बन जाता है। ये रिश्ता बताया गया है सर विलियम एनसन के द्वारा। आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने क्या सीखा। ठीक, ये सर विलियम एनसन वाली तो लाइन समझ आ गई हमें। आप हेडिंग देखिए पहले, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस रिश्ते को कैसे डिफाइन करा गया है वो जरा ध्यान से समझिए। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक बात ये तो आपको पता ही है, ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, इतना तो आपको पता ही है। एक्सेप्टेंस वंस गिवन, एक बार अगर माचिस की तिल्ली ने आग लगा दी, एक्सेप्टेंस वंस गिवन कैन नॉट बी अनडन या कैन नॉट बी रिवोक्ड। भाई कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि आप कंट्रोल सेट और अंडू दबा दोगे। एक बार अगर एक्सेप्टेंस आ गई तो माचिस की तीली ने आग लगा दी,
एक्सेप्टेंस वंस गिवन कैन नॉट बी अंडन और रिवोक्ड. ऑफर कैन बी टेकन बैक. ऑफर वापिस हो सकता है, बारूद वापिस हो सकता है इससे पहले कि उसमें आग लग जाए. ऑफर कैन बी टेकन बैक बिफोर इट इज एक्सेप्टेड. Before it is accepted, offer is behaving like gunpowder. Offer is behaving like gunpowder and acceptance is behaving like matchstick. ये है वो बात जो आपको लिख लेनी चाहिए. Acceptance is like a matchstick. अच्छे से लिख लीजिए आप प्लीज. इस वाले टॉपिक को समझने के लिए अगर हल्की सी भी दिक्कत हो आप इसको लिख लेना, मैं मेन फ्रेम में आ जाऊं. हाँ, अगर हल्की सी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या समझ लेना चाहिए कि जैसे बंदूक से निकली गोली, धनुष से निकला बाण और मुख से निकले शब्द वापिस नहीं आ सकते, उसी प्रकार दी गई एक्सेप्टेंस भी वापिस नहीं आ सकती. क्योंकि सर विलियम एनसन ऐसा कहते हैं कि एक्सेप्टेंस माचिस है और ऑफर बारूद. ये दोनों मिल गए तो एक्सप्लोड हो चुका, आग लग चुकी और अब कुछ नहीं हो सकता. दोस्तों, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं. आज की क्लास का टॉपिक यहीं पूरा होता है. आज की क्लास की बातें यहीं रोकते हैं हम. इसके बाद रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस हम पढ़ेंगे. इसके आगे के टॉपिक्स का डिस्कशन अगली मुलाकात में करेंगे. लेकिन मेरी बात और वादा जरूर याद रखिएगा कि हम सब CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल तक साथ हैं. हमारे कोर्स में जितने डाउट, जितने सवाल, जितनी क्वेरीज आएंगी वो सब आप मुझसे पूछेंगे उन नंबरों पर जो आप तक पहुंचे होंगे. और आपको मेरी रंगीन किताब के अंदर जितनी भी बातें लिखी गई सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है. जितना जितना जब जब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता चला जाए उसी प्रकार सिस्टमैटिक तरीके से आप अध्ययन करिए. अगर आज की क्लास का आपने आज ही रिवीजन कर लिया ना दोस्तों, जो आज मैंने पढ़ाया उसे आज ही घर पर आपने दोबारा कर लिया ना दोस्तों, तो वो ऐसी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं उसको. राइट, ये याद रखिएगा कि मेरी क्लास में CA, CMA, CS मर्ज नहीं होते. मैं CA अलग, CMA अलग, CS अलग पढ़ाता हूं फाउंडेशन से फाइनल तक. दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हालचाल आपके. पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके बीच में आप फैलाएं. बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए. आपके लिए, हमारे CA बच्चों के लिए, आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग. और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री. मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको CA की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे. लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट. रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रीजनेबल कॉस्ट. बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे. पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो CA कोर्स को ऑप्ट किए हुए हैं वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं. मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास CA बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर. मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें. हेलो एवरीवन, दिस इज परी माहेश्वरी एंड आई एम अ CA फाउंडेशन स्टूडेंट. हेलो, माय नेम इज वंशिका एंड आई एम डूइंग CA इंटरमीडिएट राइट नाउ. हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ प्रशांत दीक्षित. आई टुक कोचिंग फ्रॉम COC एजुकेशन. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का. आई टुक माय अकाउंट्स ट्यूशन फ्रॉम संतोष सर. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो YouTube में देख सकते हो. थैंक्स टू राहुल बुटानी सर, इज माय मैथ्स टीचर एंड मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट बट नाउ आई डोंट थिंक दैट. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कांसेप्ट को काफी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं. आई टेक माय बिजनेस लॉ क्लासेस फ्रॉम CA राघव गोयल सर, ही इज जस्ट अमेजिंग.
all the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. Monday to Saturday आपका doubt session होता है जिसमें आप WhatsApp पर calling के through आप अपने doubts पूछ सकते हैं और teachers available होते हैं जो कि आपके doubts को personally solve करते हैं. The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good marks. Thank you. Thanks to COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफी आसान बना दिया है. Thank you so much. And वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं. All the best बच्चे, all the best. Thank you बच्चों, thank you जी, thank you.